सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एएस क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एएसयू 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल पर तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों के वालदैन के अलावा शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैन ऑफ द टूर्नामेंट मुनीबुर रहमान को दिया गया। टूर्नामेंट में फाइनल मैच AS1 और AS2 के दरमियान खेला गया, जो दिलचस्प मुकाबले के बाद AS1 ने जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। तकसीम इनामात की तकरीब से खताब करते हुए मेहमान खसूसी इमरान हमीद ने कहा कि AS क्रिकेट अकेडमी रियाद में जिस तरह मुस्तकबिल के मुअम्मारों को क्रिकेट के खेल की तरफ रागिब कर रही है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि AS क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन आसिफ शेख जिस लगन, मेहनत, दिलजोई और खलूस दिल से दयार गैर में क्रिकेट की तरवीज कर रहे हैं, इस पर मैं इनकी कोशिशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करवाता हूँ। AS क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन और मारूफ क्रिकेटर आसिफ शेख ने कहा कि हम मजबूत तरीके से क्रिकेट को फ़रोग देते रहेंगे। सऊदी अरब में क्रिकेट को आला सतह पर फ़रोग देकर अच्छी कारकर्दगी के हामिल नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आसिफ शेख ने खसूसी इजाज़त देने पर सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब से मारूफ क्रिकेटर रज़ाउर रहमान, मुनव्वर जावेद, रियाज अहमद, वसीम खान और दीगर ने भी कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर चेयरमैन आसिफ शेख को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि AS क्रिकेट अकेडमी आइंदा भी नौजवान की हौसला अफजाई के लिए ऐसे मयारी टूर्नामेंट का इनेकाद करती रहेगी। तकरीब के आखिर में खिलाड़ियों, एम्पायरों और सहाफ़ियों को शील्ड्स, मेडल, किट्स, ट्रॉफियाँ और दीगर कीमती इनामात से नवाजा गया। बेसिकली जिस आज जो इवेंट हुआ है AS अकेडमी की तरफ से, बहुत अच्छा इवेंट गया है बच्चों के लिए। जो हमने देखी परफॉर्मेंस, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बच्चों की, और इंशाल्लाह इसी जज्बे से अगर ये बच्चे खेलते रहे तो दे विल गो टू द सीनियर लीग्स आल्सो। हम आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जब मैं बोलूँगा बाकी कोई नहीं बोलेगा, प्लीज़ हम लोगों ने कोशिश करते हैं ये बच्चों के लिए हम उनको मोटिवेट करें, उनको वो एनवायरमेंट। हम यहाँ पर रमदान टूर्नामेंट जो पिछली दफ़ा नहीं हो सका, लेकिन उससे पहले रमदान टूर्नामेंट हुआ था, उस टाइम यहाँ पे अस्कांग में शुरू हुआ था इवेंट। हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने ये कोचिंग स्टार्ट की थी और आहिस्ता आहिस्ता आज